नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। शिक्षक की पिटाई से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई। यह मामला नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सांगबार से आया है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा रीमा कुमारी विद्यालय में प्रार्थना के समय तक नहीं पहुंच पाई। विलंब से स्कूल आने पर शिक्षक राम प्रवेश मेहता के द्वारा डंडे से मारा गया। चोट छात्रा की उंगली पर लगी और उंगली फ्रैक्चर कर गई। छात्रा की मां ने बताया कि शिक्षक द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर छात्रा की इलाज करने की बात कही गई थी, लेकिन जब शिक्षक के द्वारा इलाज नहीं करवाया गया तो पीड़िता की मां थाने में जाकर लिखित आवेदन देकर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। इधर इस पूरे मामले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू ने बताया कि फिलहाल वो छुट्टी पर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विद्यालय के छात्रा के साथ इस तरह का हरकत करना गैरकानूनी है। जाँच कर दोषी पाए जाने पर शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। सांगबार पंचायत की मुखिया गीता देवी ने भी छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा किए गए हरकत पर आपत्ति जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया कि थाने में आवेदन प्राप्त हुआ है, इस मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। वहीं पूरे मामले पर जब आरोपी शिक्षक राम प्रवेश मेहता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, रसोईया और स्कूल के सभी बच्चों से पूछताछ की जा सकती है। तो वहीं पढ़ने गया तो इसको मार दिया हाथ चला के, कॉपी ले रख रहा था स्कूल में। कौन मार दिया? प्रवेश गुरु जी। अच्छा। तो परमात्मा में डीडी हो रहा था कि कॉपियां रख के डीडी होंगे, तो परमात्मा में तो हाथ छनवा के मार दिया। गार्जियन से जाते हैं तो बोलता है कि दो तीन बार अजर दे रहे थे पहले, तो जाते हैं तो हमको भगा देता है कि स्कूल में आज के बाद तुम आईबे नहीं करेगी यहाँ, लेकिन की लड़ाई हम समझाएंगे, से आप मत आइए। इसलिए हम नहीं गए हैं, जब डांट के भगाइए देता है तो कहाँ जाएंगे। हाँ, अब अभी बोल रहा था ओला कि हमारे घर के कहे ना कि हमको लड़की के ठीक कर, तो का कहते कि हमारे घर के कल की मरबो कहो, तो कहते कि तू हम तोरा पटक के गाड़ दो सांगे बार में आइए। तो तू कौन बोलता है? प्रवेश गुरु जी। अच्छा, मार के गाड़ा नहीं करे बोलता? हाँ, अभी डालेंगे से वो आया है, अभी खानो भी नहीं खाया है, ना हम ही लोग दिए हैं उसको खाने के लिए। हाँ, हमारे मरदाना दू गो नानी नानी छुआ है, बस उसी पर छोड़ के हम आए हैं। मामला है कि हमारे पंचायत में सांगबार कुशी डेम के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ विद्यालय है वहाँ पर राम प्रवेश मेहता पारा टीचर हैं, और उन्होंने गरीब के बच्चे को मारपीट किए हैं। जो बच्ची को मारे हैं उस बच्ची के नाम है रीमा कुमारी, पिता छोटन भैया, और उनका हाथ भी फ्रैक्चर कर गया है। इससे साबित होता है कि गरीब को बच्चा समझ करके, हरिजन समाज के बच्चा को समझ करके उन्होंने टीचर होकर के मारपीट किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब अन्याय की पात्र है। टीचर का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम किसी को बच्चा को मार के हाथ तोड़। नहीं हो पाया, इसके कारण इसको शिक्षक जो है सो मार के इसका हाथ को तोड़ दिए हैं। अभी इसको इलाज के लिए सदर यहाँ डाल्टेगन नीलांबर पीताम्बरपुर हॉस्पिटल में पहले इसका दवा कराएंगे, उसके बाद इसको मेदिनीनगर में ले जाएंगे। बच्चा अपने आप में डरने लगेंगे कि उसके साथ हाथ टूटा है, हो सकता है कि मेरे साथ पैर टूट जाए। हम इसका बहुत निंदा करते हैं, ये शिक्षक गण सुधर जाएं, खासकर सांगबर पंचायत के, ये गड़बड़ झोल झाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देना, आप इसके लिए बहुत बड़ा दोषी हैं, आपके ऊपर यह कार्रवाई होगा, आप इसके लिए तैयार हो जाएं।